बाड़मेर के आबकारी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे दो ट्रक को जब्त करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक ट्रक में शराब भरकर बाड़मेर के रास्ते से गुजरात ले जाई जा रही है और इसी पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई। वही आबकारी विभाग ने दो आरोपियों को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया है और ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। सिंदरी से बाड़मेर स्टेट हाईवे के ऊपर गाड़ी आती हुई दिखाई, जैसे हाथ का इशारा देकर रुकवाया। गाड़ी के अंदर ड्राइवर और खलासी पूर्णिमा राम पिता लिखमा राम और दूधा राम पिता मना राम दोनों हाजिर मिले। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर गेहूँ है और गेहूँ के कट्टे हैं। इस पर इनको ला करके सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साहब अंदर शराब भी है। जिला कार्यालय पर ला के गाड़ी को खुलवाई और नियमानुसार इसकी तलाशी ली हुई तो खराब गेहूँ जो कट्टों के अंदर भरा हुआ उसकी आड़ में नीचे शराब की पेटियाँ व बियर की पेटियाँ जो करीबन 700 से अधिक बरामद हुई है और अभी गिनती जारी है।